अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं मंसूर अहमद। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे बाद हमने चैनल पे कम बैक किया है, तो कुछ मशरूबियात थी, कुछ जॉब वगैरह के सख्ती थी, तो इसी वजह से हमने काम नहीं किया था चैनल पे। तो अभी टाइम मिला है तो सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने आपके खिदमत के लिए लाए हैं, तो वो है फ्लोर स्लैब एंड इट्स टाइप। फ्लोर स्लैब है क्या, उसके एग्जाम क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि फ्लोर स्लैब होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स क्या है, फिर इसमें जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है, मेन टर्मिनोलॉजीज, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लोर स्लैब की डिफिनीशन कुछ इसी तरह है कि द टर्म फ्लोर स्लैब यूजिंग रिफर टू द फ्लोर दैट हैज बीन फॉर्म यूजिंग द कंक्रीट एंड जनरली स्टील रिइंफोर्समेंट एंड मे फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। इट्स मे फॉर्म द फ्लोर ऑफ द बेसमेंट, इट्स ग्राउंड लेवल और इट्स अपर लेवल। उसको हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिसमें जो मेन टर्मिनोलॉजीज है वो कौन कौन से है। उसमें मेन टर्मिनोलॉजी जो है ना, वो कंक्रीट है, स्टील रिइंफोर्समेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग है, बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल एंड अपर लेवल। ये हमें कुछ इसी तरह बताता है कि फ्लोर स्लैब जो है ना, ये हमें लेके जाता है कहाँ पर, जहाँ पर हम कंक्रीट करते हैं। कंक्रीट फिर हम कहाँ पर करते हैं, कंक्रीट हम जो स्लैब हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, जिसमें वॉल्स है, बीम है, कॉलम है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो हम छत डालते हैं उसी को कहते हैं फ्लोर स्लैब। फिर फ्लोर स्लैब में हम असल में यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के फ्लोर स्लैब होते हैं। ठीक है, उसमें मर्ड्स वाला भी होता है, कंक्रीट वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम रिइंफोर्समेंट आरसीसी स्लैब, जिसको हम जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टील इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर एक मेन टर्मिनोलॉजीज है, स्टील रिइंफोर्समेंट, जो जिसमें हमने स्टील इस्तेमाल करना है, पर उसके साथ हमने कंक्रीट, कंक्रीट में हमने क्या करना है, फिर स्टील इस्तेमाल करना, तो आरसीसी बन जाता है। ठीक है, ये हम फिर कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ये हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैंने, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बनवा भी दिया है, देखिए आप, ये यहाँ पर इसको मैंने मेंशन भी किया है, ये हमारे पास फ्लोर स्लैब है, ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्ट्स है, फिर उस पर हम जाएंगे तो फिर वीडियो जो है ना वो ट्यूटोरियल जो है ना वो लंबी हो जाएगी, तो उसको हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर एक्सप्लेन करेंगे जो बिल्डिंग के मुख्तलिफ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोर स्लैब के बारे में। ठीक है, तो जब हम हमारा बिल्डिंग का कॉलम और बीम और वॉल्स, ये सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम फ्लोर स्लैब जो है ना वो डालते हैं, छत डालते हैं, इसको हम जनरली हमारे जो लोकली ज़ुबान है उसको हम उसको लंटर कहते हैं, वो डालते हैं। तो फिर उसमें उसके ऊपर जो हम वो डालते हैं ना, जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है उसके ऊपर हम डालते हैं, तो फिर उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोर स्लैब कहते हैं। ठीक है, तो ये हम फिर कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको हम प्रोवाइड करेंगे जब हम मिसाल के तौर पर जब हेवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग होते हैं उसमें हम बेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर बेसमेंट के ऊपर जब तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर जो हम लंटर डालते हैं तो उसी को फ्लोर स्लैब कहते हैं। या हमारे पास ग्राउंड फ्लोर जो बेसमेंट के ऊपर हमारे पास जो पोर्शन होता है उसको हम ग्राउंड
फ्लोर कहते हैं, तो उसके ऊपर जब हम डालते हैं तो उसको भी फ्लोर स्लैब कहते हैं, या उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर होते हैं तो उसके ऊपर जब हम डालते हैं तो उसको हम फर्स्ट फ्लोर स्लैब कहते हैं, सेकंड फ्लोर स्लैब, थर्ड फ्लोर स्लैब, एक्सेट्रा, इसी तरह ऊपर हम चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसके मुख्तलिफ अकसाम हैं, ये बिल्डिंग पे डिपेंड करता है कि एक बिल्डिंग हमारे पास कौन से टाइप का है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, लोडेड है, अनलोडेड बिल्डिंग है, कौन सा है, फिर उसी हिसाब से फिर इसकी जो है ना उसको हमने तकसीम किया हुआ है। ठीक है, तो जो मेन दो जो दो मेन टाइप्स है उसके, उसमें एक है वन वे स्लैब, ठीक है, और दूसरा हमारे पास टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब होता क्या है, टू वे स्लैब होता क्या है, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके मजीद जो अकसाम है फिर उसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जो मेन टाइप्स है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि वन वे स्लैब होता क्या है, टू वे स्लैब क्या होता है, फिर उस पर हम बात करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर कुछ सीखा है तो इस बंदे फकीर को अपनी दुआ में याद